यहाँ मत देखो, नीचे देखो, देखो नीचे। ये है अमेजिंग। ओके गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। ये है हमारा तीसरा दिन हंगजाओ में, लेकिन अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। ये पूरा हेरिटेज इलाका है और हमारा होटल जस्ट 10 कदम मैंने उसी के अंदर है। तो अभी हम जा रहे हैं हंगजाओ से बीजिंग। हम लोग आए थे हंगजाओ रेलवे स्टेशन से, अब हम हंगजाओ ईस्ट रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं टुवर्ड्स बीजिंग। ओके, गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लेना तो उससे ट्रांसलेशन इजी पड़ जाता है। वैसे हंगजाओ में जैसे मैंने अभी कहा और फिर टैक्सी आगे दी, एक तो हैफांग स्ट्रीट घूमना मत भूलिएगा, इट इज वेरी प्लेजेंट साइट। यहाँ पे यहाँ का जो हिस्टोरिकल और कल्चरल आस्पेक्ट है, कहते हैं कि ये लेजेंडरी सिटी है एंड दैट इज़ फैक्ट। और बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, आपको क्या बताऊँ मैं, मतलब सच में बहुत खूबसूरत है। इसे इवन गवर्नमेंट ने बहुत वेल मेंटेन किया है और यहाँ के लोग बहुत अवेयर हैं कि हमें अपनी जगह को कैसे रखना है। और दूसरा, आप वेस्ट लेक जा सकते हैं सीनिक एरिया की तरफ, वहाँ पे क्रूज कर सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं। उसके अलावा आप टी प्लांटेशन में जा सकते हैं, और टी प्लांटेशन के अलावा आप इवन कुछ म्यूजियम्स हैं यहाँ पर, वहाँ जा सकते हैं। रॉयल फैमिलीज के घर है वो इसी जगह पर है, हैफांग स्ट्रीट में। इट इज़ कॉल्ड अ सिटी ऑफ सॉन्ग, मतलब यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण और इतना अच्छा मतलब जगह है ये, कि यहाँ पे अचानक से इंस्ट्रूमेंट बजने लग जाएंगे आपके कानों में और गाने भी शुरू हो जाएंगे। इतनी अच्छी बात है कि इवन हम जब हैं यहाँ पर, तब 19th एशियन गेम्स हो रहे हैं, हम मिले हमारे मोटिवेटर को जो बॉक्सिंग के हैं, संदीप जी, उनसे। इसके अलावा हम प्लेयर से मिले, अरुंधति चौधरी से, जो कि राजस्थान से है। कितने लोग उन्हें जानते हैं और कितने लोग वहाँ से हैं, सारे कमेंट करो और लाइक करना उनको। और यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है वी चैट और अली पे डाउनलोड कर लेना, तो ये दो ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे आपको। लेकिन एंड्रॉयड में हो जाता है आउटसोर्स से, और एप्पल के ऐप स्टोर से वैसे नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप रीजन चेंज नहीं करेंगे। मैं इंडिया रीजन से चाइना करूंगी तब होगा वो। टैक्सी बुक करने से लेकर के आपको क्यूआर कोड से पैसे स्कैन करने से लेके एवरीथिंग आप कर सकते हैं उससे। मेरे को टाटा दिखा, ये क्या है, वो ट्रांसलेट करो। ये सिटी में दूसरा स्टेशन है ये हंगजाओ का, तो हंगजाओ ईस्ट रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। और कहीं पे भी फिनिशिंग में कोई गंदगी गड़बड़ नहीं है। आई एम हैविंग ट्रेन, कैन यू प्लीज कीप योर, इतना ह्यूज है एयरपोर्ट की तरह यहाँ का स्टेशन। यहाँ पे भाग रहे हैं देखो कैसे लोग, हर स्टेशन पे इतनी पब्लिक होती है पूछो मत। वेस्ट एंट्रेंस देखना है आपको कि कहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, वहाँ पासपोर्ट आप दिखा सकते हैं, आपकी टिकट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी। तब हम इस ब्लॉग में हंगजाओ से लेके बीजिंग पहुँचेंगे। अभी हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है 6A&B, और देखिए प्लेटफॉर्म नंबर्स यहाँ पे डिस्प्लेड है। पब्लिक देखो, पब्लिक ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आइडियली अभी है हमारे पास टाइम। पहले ट्रैफिक जाम था, लगा गड़बड़ हो गई। क्यों देख रहे हो आप? क्योंकि हम लोगों को पासपोर्ट दिखाना है, इसलिए हम आगे जा सकते हैं और सिक्योरिटी को बता सकते हैं। नाउ नो इशू। दो ट्रेनें हैं हमारे बगल में, 7 हैं वो जाएगा और 6 अभी है टाइम, 15 मिनट हमारी ट्रेन खड़ी है, एंट्री हम दिखा नहीं पाए। टोटल 18 कैरेज की होती हैं ये ट्रेन, और हमारा कोच एंड में है। कितना पड़ेगा खाली? 7000। हाँ, 7204, लेकिन उसमें 500 कमीशन है। कहानी में ट्विस्ट, कैरेज नंबर 11 है हमारा, मुझे लगा 18 है, सीट नंबर 18 है मेरी, क्योंकि कुल 18 रो होते हैं।
यही है। इस ट्रेन के बारे में अभी तक में तो आपने देख लिया, मैंने 3 ट्रेन बोर्ड की अभी तक में, शंघाई टू ये वो टू हंगजाओ, हंगजाओ टू आप बीजिंग, एंड यहाँ पे मतलब आपको लोगों में काफ़ी डिसिप्लिन, लेकिन सीट्स में ये होता है कि आपको नो सीट भी हो सकती है, मतलब जो सेकेंड क्लास की सीट आप बुक करते हैं ना, उस वही रेट में आप नो सीट पे जा सकते हैं, मतलब खड़े रह करके जा सकते हैं, प्राइस सेम ही होगा। तो खड़े रहने के लिए वही दरवाजे के पास आप यहाँ खड़े रह सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है ना, बदबू नहीं आती है और नीट होता है। और आप यहाँ यहाँ देखिए बेसिन है, ठीक है, यहाँ पे डस्टबिन है, मैंने दूसरे में भी बताया, यहाँ पे आपके लिए पानी है लेकिन गर्म आएगा, इसको दबाएंगे तो गर्म पानी आप ले सकते हैं। मोस्टली क्या है ना, लोग कप्पा नूडल्स या वैसे कुछ पैक्ड फूड लेके आते हैं जिसमें गर्म पानी डाल सकते हैं और फिर खा सकते हैं। हमारी जर्नी है 6 घंटे और 28 मिनट की, 1282 किलोमीटर की है, जो हंगजाओ ईस्ट से रेलवे स्टेशन से लेकर के बीजिंग साउथ रेलवे स्टेशन तक जाएगी। ट्रेन बस अभी निकलने वाली है, वो देखिए टाइम हो चला है, सीटियां बच चुकी हैं। इट्स ओके, वेल हेल्प तो किसी भी शहर में हो, ये लोग हमें इतना हेल्प करते तो हमारा भी हेल्प करना बनता है, और दूसरा हम तो भारतीय हैं, अतिथि देवो भव, और वही इन लोगों का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे कल हंगजाओ में हमें 70 ईयर ओल्ड जो वुमेन मिली, उसने हमें बस स्टॉप तक पहुंचाया, और पता नहीं मतलब क्या हुआ कि इवन बस ड्राइवर ने भी हमसे पैसे नहीं लिए। यहाँ पे देखिए ऐसी सीटी बजती है, सुना? ओके, वी आर ऑफ टू गो। हाँ, इन लोगों का जो फिनिशिंग है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा, मतलब इन लोगों ने बहुत अच्छा मेंटेन, ये लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे वो बड़ा बड़ा बोर्ड नहीं है जैसे हमारा होता है, आइकॉनिक, वो देखिए एक जा रही है, वो देखिए एक जा रही है सामने, देखिए उस तरफ से जा रही है, लेकिन मुझे लगता है वो डी या जे होगी। यहाँ पे 3 डिफरेंट ट्रेन्स निकलती हैं मेट्रो के अलावा, मैगलेव ट्रेन के अलावा, जिसमें अभी हम हैं वो बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन जी से शुरू होता है उसका सीरीज। और यहाँ पे बुलेट ट्रेन्स की भरमार है, भरमार। यहाँ पे जेड और एच मुझे लगता है कल उठ करके लोग शायद बंद भी कर दें। हंगजाओ से हम दूर जा रहे हैं। और हाँ, तीनों पटरी पर ही चलती हैं, सिर्फ मैगलेव ट्रेन जो है उसको पटरियाँ नहीं होती हैं, मतलब वाह ये क्या था, मिस कर दिया लगता है। ये देखिए hot, you keep your it's hot, yeah, कई लोगों को नहीं पता होता है ना। हमारे वंदे भारत में कैसे है स्लाइडर वाला, तो इनका भी स्लाइडर वाला है। यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे इंडियन कमोड है, बेसिन है, यहाँ पे हैंडल है, यहाँ पर आपको जेट शावर नहीं मिलेगा, तो खाली बॉटल रखना हम इंडियंस के लिए बेटर होता है, खाली बॉटल पब्लिक प्लेस। इसका देखिए ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा है। और मैंने देखा बुलेट ट्रेन जैसे जैसे शायद ये लोग बनाते गए, उसमें कुछ कुछ इनोवेशन करते गए, जस्ट लाइक हमारी वंदे भारत है उसमें भी हमने देखा है कि नई नई करते गए। प्लीज़ डोंट कंपेयर वंदे भारत विथ बुलेट ट्रेन्स ऑफ चाइना, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि हमारी पटरियां अभी उतनी मज़बूत नहीं बनी हैं। और
और ब्यूटी भी देखते हुए जाते हैं। यहाँ पे पोर्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, कस्टम्स का काम बहुत स्ट्रांग होता है, ट्रेडिंग की दुनिया है भाई ये। और हम जिस प्रोविंस से निकल रहे हैं वो है जेजांग, और जेजांग में यीवू भी आता है और जेजांग में हांगजाओ भी आता है। देखो दो सीटियाँ होती है, तीन सीटियाँ होती है। देखिए यहाँ पे लोग नो सीट वाले इस तरीके से बैठ सकते हैं। मैं देखने जा रही हूँ जहाँ पे खाना मिलता है। यहाँ पे एक जगह पर आपको खाना भी मिलता है, और मतलब देर इज़ अ नाइस कैफ़े एरिया। तो मैं आ गई हूँ फर्स्ट क्लास में। ये है फर्स्ट क्लास जोन जहाँ पे 2x2 होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, स्क्रीन है जिस पे डिस्प्ले होता है। बिजनेस हंगजाओ 305 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन जा रही है और मैं इतनी स्मूथली जा रही हूँ, इमेजिन। अभी हम टनल क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर भी बैग्स रख सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है कि साइड में ही रख सकते हैं। बड़े बड़े बैग्स भी रह जा रहे हैं इसलिए कोई इशू नहीं है। ये देखिए कैसे करते हैं, सारे लोग कप्पा नूडल्स लेके आए हैं, कप फूड लेके आए हैं, गरम कर रहे हैं, खा रहे हैं। मैं आ गई सारा दिखा के। देखो यहाँ पे ये QR कोड है, इसे आप स्कैन करोगे तो आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं वाईफाई। वाओ आप हाँ, वाईफाई यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। मैं भी करूँगी। अनलाइक हमारे इस तरह की भाई, आप एक पर्टिकुलर चीज़ को ही देख सकते हैं सिर्फ एक इंटरटेनमेंट। हाँ, जैसे अपने यहाँ पे था ना, लेकिन वो भी कहाँ हो पाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वाईफाई एक्सेस, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ का जो अप्लाई कर सकते हैं कुछ चीज़ें अपने इंडिया में, कुछ चीज़ क्योंकि भाई सडनली तो सब सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने इंडिया में स्टेशन तो ब्यूटीफुल हैं, स्टेशंस बहुत खूबसूरत बन रहे हैं और काफ़ी स्टेशंस को अच्छा खासा यूज बना रहे हैं। जैसे रानी कमलापति ले लो, अहमदाबाद का स्टेशन ले लो, साबरमती भी स्टेशन, ये सारे बन रहे हैं ज़बरदस्त। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म पे आप एक बार आ जाते हो, यहाँ पे मेन जो वेटिंग एरिया है वहीं पर आप वेट कर सकते हैं जो मैंने बताया, उसके अलावा वेट नहीं कर सकते। और आपको प्लेटफॉर्म पे आना है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे सिस्टम कैसा है डॉन? प्लेटफॉर्म पे है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है कि आप प्लेटफॉर्म पे आपको एंट्री मिलती है सिर्फ ट्रेन बोर्ड करने के ठीक 15-20 मिनट पहले, और आपको वेटिंग एरिया में पहले करना है। एक बहुत बड़ा हॉल होता है और उस हॉल में ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 30 एंट्री और 35 एंट्रीज और 40 एंट्रीज अकॉर्डिंग टू सिटीज़ होती है। ए बी मतलब 1A to 40A and 1B to 40B left and right corner में, वहीं पे सारे लोग वेट कर सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे एंट्री टिकट वैलिडेशन चेक करके आपको प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में भी ये एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन और सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो हमारी है, उनके लिए कम से कम ये होना चाहिए कि भाई आप जो है एक बड़े हॉल में आ जाइए, वहाँ पे भाई आप वेट कीजिए, उसके बाद आप वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, इन लोगों का भी आर्किटेक्चर पुराना है, इन लोगों का हेरिटेज बहुत पुराना है, लेकिन इन लोगों ने उसे रिनोवेट बहुत ही अच्छे तरीके से किया है ताकि वो सस्टेन कर पाए। जस्ट लाइक आप शंघाई का व्लॉग मेरा देखोगे तो युयान गार्डन का हमने बनाया है, ओह माय गॉड, उसको देख के ऐसा लगता है आप कोई डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए। आपने अगर चाइनीज मूवीज देखी हैं, ऑलमोस्ट आ चुका है शंघाई, और अभी थोड़ा सा नीचे उतरेंगे। ये हमारा 5th हॉल्ट है। अभी हम लोग नैनजिंग साउथ में हैं, पता नहीं साउथ से दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि नैनजिंग ईस्ट में आपको बूंद एरिया दिखाई देता है, पेडेस्ट्रियन दिखाई देता है। तब तक में बुलेट ट्रेन क्रॉस कर रही है हमें, ओए उसके पीछे दूसरी भी है खड़ी है क्या सारी, नहीं क्रॉस कर रही थी। लोग अपनी चेयर भी लेके आते हैं तो नो सीट में आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं आराम से। एंड यहाँ पे बेस्ट होता है ऐसी वाली बैग लेके आना, थोड़ी मोटी वाली जिसपे
आप आराम से थोड़ी जो हार्ड वाली होती है ना उस पर बैठ भी सकते हैं। तो नो सीट वाले जो भी ट्रैवलर्स हैं वो जा सकते हैं इसमें। इस हफ्ते से बुलेट ट्रेन जाती है। मुझे लगता है बूंद एरिया दूर है उस तरफ। बुलेट ट्रेन वाली भी मैंने देखी कि आगे गिट्टी वाली में से जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गिट्टी वाला है। एक ट्रेन निकल चुकी है। अब हम आ गए हैं नैनजिंग साउथ पर। अराउंड 20 सेकेंड्स ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड सीटियाँ बजाते हैं तब जाके खुलता है। सो अभी ये लोग बाहर आके यहाँ स्मोक कर सकते हैं। यहाँ पे लोग सिगरेट बहुत पीते हैं। तो मैं तो भूल गई थी, G186 हमारा ट्रेन का नंबर। हम लोगों ने अभी तक कवर किया है हंगजाओ से लेकर के हम अभी शंघाई में हैं। 273 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया है। ऑलमोस्ट समझ लो 950 के आसपास डिस्टेंस हमें कवर करना है, क्योंकि कुल 1200 एंड करीब 82 किलोमीटर के आसपास हमें तय करना है। चलो सफ़र चला आगे की ओर। यहाँ पे फ्रूट्स जो है ना काफ़ी बड़े बड़े दिखे मुझे। ऑब्वियस है कि कुछ जो अलग दिखेगा हम वो चीज़ बताएंगे, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें जो इवन इंडिया में। हाँ, अनार देखे बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। वेल, हम लोग अभी है बैंक बुनान पर। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उतरे हैं, देख रहे हैं आप, सारे लोग उतरे हैं। शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड। और सिगरेट पीने वाले बस स्टेशन खोजते हैं कि हमें स्टेशन मिल जाए जहाँ पे हम स्मोक कर सकें। थैंक यू। हाय, आई एम गुड, थैंक यू। वो मुझे बोलने आए थे कि ट्रेन बंद हो जाती, आप अंदर चले जाते, क्योंकि तभी सायरन नहीं बजा था तो मुझे लगा अभी टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं था, बंद हो जाती। अभी यहाँ पे देखिए आया है ऑरेंज जूस है, यू गेट ऑल द ड्राई फ्रूट और खाने का बैग भी है। ओके, अली पे से ही आप दे सकते हैं क्यूआर कोड से। तो हमने लिया है एक कॉफी लाते और चीज़ लाते हैं। नो कैश इज़ अलग। और हमने ये लिया है, ये 20 yuan का है और ये 15 yuan का है। सिंगल का चाइनीज लिया है। हाँ, टमाटो फ्लेवर, ये यहाँ का ब्रांड है। इसका नाम होगा ना ट्रांसलेट, कैपिको। कैपिको दो चीज बड़ी जबरदस्त मुझे हर दुकान में मिली। एक जो है पानी हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन स्टारबक्स हर जगह मिलेगा। दूसरा दारू हर जगह मिलेगा। हाँ, यहाँ के कल्चर में ये है कि खाने के साथ आपको वार्म वाटर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पोटैटो छोटे मिलते हैं, ये सिर्फ इंडिया में भी बड़े पोटैटो मिलते हैं। प्रिंगल्स का रेट भी ज़्यादा रहता है, लेकिन प्रिंगल्स जो है हमारे यहाँ पर बहुत छोटे साइज़ होती है उसकी। और अरे यहाँ पे तो ग्लास भी है, डिवाइड करके पीना है। अभी तक मैं कम से कम 4 बार आ चुकी हैं। देखो थोड़ा सा गिरा था, सफाई कर रही हूँ। हम कंपेयर करें हमारे इंडियन रेलवेज का, तो टिकटिंग IRCTC से कर सकते हैं। आजकल तो वीगो और बहुत सारे अदर भी हो गए हैं जिससे आप बुक कर सकते हैं, लेकिन IRCTC इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हम जब वहाँ से बुक करते हैं, हमारे टिकट का जो टैक्स लगता है वो हार्डली GST लगता है, और सर्विस चार्ज लगता है उस पेमेंट मोड का जिससे आप पेमेंट करें। किसी का 10 लगता है, किसी का 20 लगता है, किसी का 30 लगता है, लेकिन एंड इट इज़ वेरी नॉमिनल। और
अगर लेकिन बेस्ट पार्ट हमारे ट्रेन की ये है, मतलब उस वेबसाइट की, कि हम अपनी सीट खुद चूज़ कर सकते हैं. हमारी जो है मतलब लोअर बर्थ है, अपर बर्थ है, जो भी है वो हम चूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है. यहाँ पे आपको मतलब अगर trip.com से कर रहे हैं तो वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कमीशन हेफ्टी चार्ज करता है, हेफ्टी. और उसमें भी आपको टिकट अपने से आएगी. हाँ, हमारा ये नहीं है कि हमको ये दिखाई देगा कि हमको कौन से कोच में मिल रही है या क्या है, लेकिन कम से कम हम वो बोल सकते हैं कि हमको लोअर बर्थ चाहिए या अपर बर्थ चाहिए. यहाँ पे ये है कि आपको वो ऑप्शन के भी एक्स्ट्रा पैसे भरने हैं अगर आप trip.com से बुक कर रहे हैं तो. हाँ, आप स्टेशन से बुक करेंगे तो कमीशन नहीं चार्ज होगा. और आपको सीट नंबर पता नहीं, हमने लास्ट टाइम जब बुक किया बीजिंग टू गैंगजाओ तो उसमें जो है हमें सीट का ऑप्शन नहीं मिला. तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे हैं, गॉड डैमन इट यार, और पता भी नहीं चल रहा है. मैं पता है चल करके आई थी 305 की स्पीड से चल रही थी तभी. हिल भी नहीं रही. मैं बिल्कुल नहीं हिल रही थी, मतलब स्मूथ चल रही हूँ. आप लोगों ने तो देखा ही, इसमें 240 से तक है. नीचे देखो, देखो नीचे. हम निकल गए हैं जिनान वेस्ट रेलवे स्टेशन. एक बुलेट ट्रेन जुप करके निकल जाती मेरे सामने से. जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बिल्डिंगें दिखाई देंगी. बैठे जिनसे हमने हमारी सीट स्विच की थी वो बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहे हमारे लिए. कुछ नया हमें पता चला उनसे कि यहाँ पे, वैसे हमें पता था इंडिया से भी कि एक वेबसाइट है जिसका मैं अभी डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे भी दे देती हूँ लिंक, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, 1 2 3 4 5 6 कर करके है. और वो चाइना की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें से आप ट्रेन बुक कर सकते हैं, उसमें कमीशन कट नहीं होता है. तो अब हम वही कर रहे हैं जिसमें हमारा कमीशन कट नहीं होने वाला है और हम उससे बुक कर सकते हैं. यहाँ पर सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, करीबन अभी बजे हैं 5:45 के आसपास और सूरज अभी डूबने वाला है. 6 बजे तक में, मतलब 6:15 तक में तो एकदम अंधेरा सा हो जाएगा. यहाँ पे हम खा सकते हैं, ये जोन है देखो, ये एरिया है, यहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं. यू कैन ईट ओवर हियर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. देखो ये सारा है, एंड वी कैन, आई कैन बाय दिस आल्सो, गेम्स भी है, यू कैन बाय गेम्स आल्सो. 68, yeah, 268 yuan. Wow. So it runs also or it's just a demo? Yeah, it's same train. Yeah, it's same train. और ये run भी करती है शायद. ये भी चलती है. Cool. शशे. Thank you. ओके गाइस, सो हमारी ये जर्नी 6 घंटे और 28 मिनट की एग्जैक्ट टाइम पर ख़त्म हुई है. अभी बजे 7:08 और हमने 1282 किलोमीटर का रास्ता तय किया है और हंगजाओ टू बीजिंग पहुंच गए हैं. ये है बीजिंग साउथ और हम हैं अभी चाइना की कैपिटल सिटी में. वेलकम टू बीजिंग, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये कैपिटल है और ये बहुत ही विकसित सिटी है. यहाँ पर क्या क्या होगा, क्या क्या घूमेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे. वैसे हमारा इरादा है यहाँ से ड्रोन खरीदने का, सो लेट्स सी क्या होता है. ये है अमेजिंग ट्रेन यार, ये है बिजनेस क्लास. नहीं, ये तो पायलट का है क्या? हाँ, मतलब यहाँ है बुलेट ट्रेन, यहाँ
कहाँ है स्टेशन, मतलब प्लेटफॉर्म का एम्बियंस। अभी तो हमने जहाँ पे वेटिंग एरिया है उसका नहीं बताया, बहुत बड़ा है यार। On arrival, exit 2 and exit 3, अभी हमें पकड़ना है मेट्रो, क्योंकि जहाँ पे हमारी होटल है हम लोगों ने पास में जो टेनमेन स्क्वायर बोलते हैं वो सेंटर एरिया है फॉरबिडन सिटी जहाँ, वहाँ पे काफी एक्सपेंसिव था और इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा वहाँ से दूर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो लाइन है इसलिए कोई इशू नहीं है। तो अभी यहाँ से हम मेट्रो कर करके जाएंगे, क्योंकि अगर टैक्सी करेंगे तो अराउंड बता रहा है 21 किलोमीटर, तो करीब हो जाएंगे 60-70 युआन। वेल, बिफोर हम सबवे में जाए, मेट्रो के लिए सबवे पकड़ते हैं, तो सबवे भी कहीं लिखा होता है तो आपने देख लेना है। तो 4 to 14 यहाँ बता रहा है कि सबवे लाइन है। अभी हम टिकट का बंदोबस्त करते हैं। 15, हाँ। सिर्फ 15 देखो। हाँ, तो एग्जीबिशन सेंटर कहाँ देखा, ये है ना। हाँ, हाँ। साथ ही वहाँ चलो, हमें 14 नंबर लाइन और हमें वो जैन उतरना है। एक चीज़ है, यहाँ के मेट्रो में ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो आपको फीमेल को ही बिठाना है और कोई सीट पर, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जैसे सीनियर सिटीज़न है, कोई व्हीलचेयर पर है, कोई स्पेशली एबल्ड है, या किसी कोई स्पेशल केस है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनके लिए आपको सीट देनी है, कोई भी सीट हो।